मुरादाबाद बलिया में पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर एडवोकेट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने जिला कलेक्टर पर क्या प्रदर्शन डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर एडवोकेट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी मुरादाबाद को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए एडवोकेट हरकिशोर सिंह ने बताया कि जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में पेपर आउट करने वाले नकल माफियाओं की सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि सरासर गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि सभी पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज विरोध किया जा रहा है, किसको लेकर ये विरोध है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही थी उसमें चारों तरफ नकल माफिया सक्रिय था और प्रदेश सरकार के तमाम उसमें संरक्षण में जो ये प्राइवेट स्कूल हैं वो ठेके पर नकल करा रहे थे और बलिया का प्रशासन, जिला प्रशासन, डीएम, एसएसपी की उनसे खुलेआम साठगांठ थी। इसको उजागर किया जा रहा था लेकिन वहाँ का प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। एक साहसी पत्रकार और उनके साथियों ने इसको उजागर किया, इसको समाज के सामने सच्चाई को लाया गया तो वहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने उनके खिलाफ जिस तरीके से उन पर मुकदमे लगाए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है, सच्चाई को उजागर करने वालों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और जो नकल माफिया है और उसको जो संरक्षण देने वाले सरकार के तमाम उच्च नेता हैं उसमें शामिल, हम उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं और जो सच्चाई उजागर कर रहे हैं उनको जो दबाया जा रहा है, प्रेस की आज़ादी पर जो हमला हो रहा है, हम इसका कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और इसी से संबंधित आज हम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। अगर उनको जल्दी ही रिहा नहीं किया गया तो ये आवाज़ पूरे प्रदेश में गूंजेगी, देश में गूंजेगी और ये आवाज़ दुनिया तक जाएगी। उनको रिहा करना होगा।